डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर कंप्यूटर लेसन नंबर 6, मोर अबाउट कीबोर्ड। बिफोर दिस वीडियो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ कीज, अल्फाबेट की, नंबर की एंड फंक्शन की ऑफ अबाउट द कीबोर्ड। नाउ रेस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट स्टार्ट। नेक्स्ट की इज एंटर की। एंटर की इज यूज टू स्टार्ट न्यू लाइन व्हेन वी नीड टू ब्रिंग द कर्सर डाउन to text next line we use the enter key. Keyboard has a two enter key. Enter key का use होता है जब हम कोई नया line start करने जाते हैं तो first we press the enter key and then start the next line. Keyboard में दो enter key होते हैं. For example, two type two sentence. See, look at the example. I am Ranjan Monty. फिर यहाँ पे एंटर की का साइन है आई एंड देन एंटर एंड फॉर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लाइन इट इज गिवन डाउन। आई एम रंजन मोंटी, आई रीड इन अ क्लास थर्ड इन अ डिफरेंट लाइन, फॉलो गिवन स्टेप। फर्स्ट स्टेप टाइप द सेंटेंस आई एम रंजन मोंटी एंड देन प्रेस द एंटर की। द कर्सर गेट द प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ओके, जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो नेक्स्ट लाइन का पहला लाइन स्टार्ट हो जाएगा। एंड टाइप द सेंटेंस आई रीड इन द क्लास थर्ड। लाइक दिस यू ऑल हैव टू यूज द एंटर की। नाउ नेक्स्ट की इज शिफ्ट की। देयर आर मैनी कीज ऑन द कीबोर्ड दैट हैव द टू कैरेक्टर्स। कीबोर्ड में ऐसे कई कीज हैं जिसके दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। एंड द शिफ्ट की कैन बी यूज टू टाइप द अपर कैरेक्टर्स ऑफ दीज की। शिफ्ट की हम यूज़ करते हैं जो कीज में ऊपर अलग कैरेक्टर दिए थे, हैश दिया होता है, द रेट दिया होता है, डॉलर, परसेंटेज, लाइक दीज द कैरेक्टर्स आर गिवन ऑन द ईच कीज। सो फॉर यूजिंग दैट कैरेक्टर्स वी यूज द शिफ्ट की। फॉर एग्जाम्पल, टू टाइप द 75%, फर्स्ट वी टाइप 7 and 5 एंड प्रेस द शिफ्ट की विद द परसेंट की। जब हमें परसेंट का यूज़ करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे शिफ्ट और उसी के साथ ही प्रेस किए रहेंगे शिफ्ट की को और परसेंटेज को प्रेस करेंगे। लोकेटेड ऑन द बटन ऑफ 5, 5 के ऊपर परसेंटेज दिया रहता है एंड रिलीज द शिफ्ट की। इसके बाद आप जब शिफ्ट की रिलीज़ कर देंगे तो आपका आ जाएगा 75% विल अपेयर ऑन द स्क्रीन। When the caps lock key is off, the shift key can be used to type the capital letter that is shift plus alphabet. जब आप capital caps lock key आप off किए हुए हैं और आपको capital letter type करना है तो आप shift key के साथ कोई भी alphabet, जो alphabet आप use करना चाहते हैं उसकी को press करेंगे तो आपका capital letter appear हो जाएगा। And if the caps lock is on, pressing the shift key, the alphabet will display the small letter. अगर caps lock on है और आप shift key off use करेंगे तो alphabet small letter में आ जाएगा. Okay? For example, hold down the shift key and press the T. The letter capital T is typed. Okay? जब आप hold करे रहेंगे उस पर press करके shift key को और letter T को type करेंगे तो कैपिटल टी टाइप हो जाएगा। बट इफ द कैपिटल कैप्स लॉक की इज ऑन, प्रेस द शिफ्ट की विद द एनी अल्फाबेट की विल डिस्प्ले द स्मॉल लेटर। और लेकिन अगर कैप्स लॉक की ऑन है और आप उसमें शिफ्ट की प्रेस करके कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो वो स्मॉल में आएगा। नाउ नेक्स्ट की इज कंट्रोल की। दीज की आर यूज alone and in a combination with the other key to perform the certain action. And the control keys are control, alt, windows, logo key and escape. All these are the key. और ये अकेले मतलब सिर्फ हम इसका सिर्फ इसका यूज़ कर सकते हैं या किसी अदर कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। Now next key is symbol key. These are the printed on the number key upper portion and the to use this symbol press the shift plus number key. Okay, ये symbols बने रहते हैं number key के ऊपर
और जब हमें इसे यूज़ करना होता है तो मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट की यूज़ किया जाता है अपर कैरेक्टर्स को और प्लस शिफ्ट की यूज़ करना, तो यू कैन यूज़ लाइक दिस आल्सो। एंड नेक्स्ट की इज़ टैब की। टैब की अलाउ द कर्सर टू जंप 5 स्पेस फॉरवर्ड एंड फॉलोइंग द टैब की यूज़ करते हैं हम कर्सर को 5 स्पेस आगे बढ़। द फॉलोइंग टेबल शोज द इम्पॉर्टेंट की ऑफ द कीबोर्ड अलॉन्ग विथ देयर फंक्शन। सी हेयर द कीज आर गिवेन अलॉन्ग विथ इट्स फंक्शन। यहाँ पे की दिए हुए हैं उसके फंक्शन के साथ। फर्स्ट की इज एंटर की टू एक्सिक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। एंटर की हम इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड इज कैप्स लॉक की टू टाइप द कैपिटल लेटर। कैप्स लॉक का फंक्शन है कैपिटल लेटर में टाइप करना। बैक स्पेस टू इरेज द कैरेक्टर टू इट्स लेफ्ट। बैक स्पेस क्या करता है, क्या फंक्शन है, इरेज करता है कैरेक्टर्स को, लेटर्स को उसके लेफ्ट साइड से। डिलीट की भी यूज़ किया जाता है इरेज करने के लिए कैरेक्टर। टू इरेज द कैरेक्टर टू इट्स राइट। और डिलीट की हमेशा राइट कैरेक्टर को डिलीट करता है। स्केप की क्या होता है, स्केप की टू कैंसिल द कमांड, किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए। होम की टू मूव द कर्सर एट द स्टार्टिंग ऑफ द पेज। कर्सर को पेज के फर्स्ट पेज पे, स्टार्टिंग जहाँ से शुरू होता है पेज, वहाँ पे मूव करने के लिए होता है। एंड की टू मूव द कर्सर एट द एंड ऑफ पेज। जब एंड की हम प्रेस करेंगे तो कर्सर पेज के एंड पॉइंट पे ले जाएगा। पेज अप की टू मूव वन पेज अप, एक पेज अप मूव करने के लिए पेज अप की यूज़ होता है। पेज डाउन की टू मूव वन पेज डाउन, और वन पेज डाउन करने के लिए हम पेज डाउन की प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस होम को हम किस लिए यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल होम। टू मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का जो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे कंट्रोल प्लस होम अगर हम प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट का पहला पेज आ जाएगा। एंड कंट्रोल प्लस एन टू मूव द कर्सर एट द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट। और कंट्रोल प्लस एन यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंट का जो बॉटम साइड है वहाँ पे कर्सर मूव करेगा। नाउ डूज एंड डोंट्स वाइल यूजिंग द कीबोर्ड। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। कीबोर्ड शुड बी हैंडल विद द प्रॉपर केयर एज इट इज इंटरनल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। डू रिमेम्बर द फॉलोइंग टिप्स वाइल यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कीबोर्ड कंप्यूटर का। हमें क्या, हमें से हमेशा ये टिप्स याद करना चाहिए जब हम कीबोर्ड यूज़ करें। फर्स्ट वी शुड नॉट कीप एनीथिंग ऑन द कीबोर्ड। हमें कभी भी कोई भी चीज़ कीबोर्ड के ऊपर नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट पुल एंड पुश द कीबोर्ड हार्शली। हमें कीबोर्ड को बहुत रफली पुल और पुश नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट प्रेस द की टू हार्ड। हमें कभी भी कीबोर्ड को प्रेस हार्डली नहीं करना चाहिए। वाइल टाइपिंग वी शुड जेंटली प्रेस द की एंड मूव द फिंग अवर फिंगर क्विकली, अदरवाइज द सेम लेटर वी टाइप्ड अगेन। अगर हम किसी भी, जब हम टाइप करते हैं तो कीबोर्ड के जो भी लेटर्स हैं या जो भी नंबर्स हैं हम उसे बहुत जेंटली प्रेस करना चाहिए और तुरंत फिंगर हटा लेना चाहिए, नहीं तो बार बार सेम लेटर टाइप होंगे। नाउ दिस इज़ योर लेसन नंबर 6। सो यू ऑल लर्न इट एंड रीड इट। थैंक यू।